जब ये सरकार विपक्ष में थी, मैं आपको इतिहास बताता हूं, इनका पूरा इतिहास, ये तथ्य जानने पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है। यही सरकार सबसे पहले ईवीएम के विरोध में थी, किताब लिखी है डेमोक्रेसी एट द रिस्क। जब इनके समय में डेमोक्रेसी रिस्क में थी, तो आज डेमोक्रेसी कैसे रिस्क में नहीं हो सकती है? किसी अधिकारियों की प्राइवेट व्हीकल्स में, उनके कारों में, उनके व्हीकल्स में ईवीएम के मशीन मिले हैं, ईवीएम के ऊपर आरटीआई हुई है, करीबन 19 लाख के आसपास ईवीएम गायब है। ये ईवीएम मशीन तो पूरे ऐसे, मतलब असेंबल्ड है, पूरे असेंबल्ड किए हुए एक डब्बा है, एक कैबिनेट है। जब सबूत के साथ सारी बातें मतलब बाहर आ रही है, ईवीएम और वीवीपैट के मामलों में क्या चुनाव आयोग अब बुरी तरह फंस चुका है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 महीने से 14 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चुनाव आयोग से वक्त मांग रहे हैं ईवीएम के जो डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग के पास इतना वक्त नहीं है कि वो समय दे सके। और लगातार चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे, उसको लेकर 14 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र भेजा या फिर मेल किया कि हमें वक्त चाहिए आपसे बातचीत करने के लिए और लाइव एक बार टेस्ट हो जाए कि किस तरीके से ईवीएम काम करता है, किस तरीके से जो हैकिंग की बात की जा रही है उस पर बातचीत हो सके चुनाव आयोग से पुख्ता तौर पे। इसका खुलासा किया है दिग्विजय सिंह ने, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 14 ऐसे राजनीतिक दल है जो बातचीत करना चाहते हैं लेकिन चुनाव आयोग के पास इतना वक्त नहीं है कि वो वक्त दे सके। और अब आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव जो है काफी करीब है, तो ये तमाम राजनीतिक दल नहीं चाहते कि किसी तरह की फिर से कोई गड़बड़ी हो। तो इसको लेकर हमारे साथ सागर शाह जी, उनसे बातचीत करेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ ये बैठे हैं, बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देखते हैं। देखिए, अगर मैं आज की मौजूदा सरकार की कंडीशन की बात करूं, सबसे पहले उस पर एक बात होनी चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए इस सरकार को और 10 साल में इस सरकार की ये जवाबदेही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में उन्होंने ऐसी बॉडी लैंग्वेज के साथ गला खंखाल कर बोला था पूरे देश को कि इस देश का छोटे से छोटा बच्चा, इस देश का छोटे से छोटा बच्चा मुझे सवाल पूछने के लिए, मतलब वो पूछ सकता है और उसका जवाब देना वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं मतलब उसकी जवाबदेही लेता हूं। ये वीडियो उनका इतना वायरल हुआ था और सोचिए कि आज इस सरकार के कानों में ऐसी 14 विपक्षी पार्टियों की आवाज नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। 4 महीने हो गए, आपने बोला कि 4 महीने से लगातार 14 विपक्षी बड़ी बड़ी पार्टियां जब ये सवाल सरकार पर उठा रही है कि एक चीज जो इस चुनाव की सबसे बड़ी चीज है ईवीएम और वीवीपैट, उस पर लोगों को डाउट हो रहा है और विपक्षी पार्टियों से ज्यादा डाउट पब्लिक को हो रहा है। देश की 50% पब्लिक सोशल मीडिया पर लगातार बोलती है, किसी न किसी बहाने वो सवाल उठाती रहती है कि ये ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी है, चाहे हो ना हो इसका कुछ। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं एग्जांपल के तौर पर, जैसे अभी इस देश के अंदर सारे यंगस्टर्स को और बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो लोग डाउट किस पर कर रहे हैं कि हमने जो कोरोना के वक्त जो 2 रस्सियां ली थी, वैक्सीन ली थी, उसके ऊपर डाउट जा रहा है। अभी प्रूव नहीं हुआ है, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये जो देश है, देश की पब्लिक को आप रोक नहीं सकते, देश की पब्लिक को आप रोक नहीं सकते हैं, उनके सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और जब कोरोना में 2 रस्सियों को दिया गया और ये दावा किया गया कि पूरे वर्ल्ड में भारत ने सबसे ज्यादा रसीकरण किया है, वैक्सीनेशन किया है और उसका रिकॉर्ड किया है, और उस वैक्सीनेशन में प्रधानमंत्री का फोटो जब रखा जाता था, तो आज देश के लोग पूछ रहे हैं कि ये जो हार्ट अटैक की जो इंटेंसिटी बढ़ रही है बुजुर्ग से लेकर यंगस्टर्स में, तो इसका कारण एक वैक्सीनेशन हो सकता है। तो ऐसे ही चुनाव के अंदर, आज इस देश के अंदर 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी जब हारने की कगार पर होती है फिर भी वो जीत कर आती है, तब देश की पब्लिक सवाल करती है कि ईवीएम का कुछ तो लफड़ा है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वर्डिक्ट दिए हैं कि हाँ, हर बार जब अब ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो अब इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा, इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा,
इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय करना पड़ेगा, ताकि ये जो डाउट हो रहे हैं बार बार लगातार पिछले 10 साल से, प्रजा से लेकर, पब्लिक से लेकर, आवाम से लेकर विपक्षी पार्टियां ये जो डाउट्स कर रही है कि ईवीएम का कुछ तो लफड़ा है, तो इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन या निर्णय लेना होगा, ये आज सरकार कह रही है। और उसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा है, एक शेर याद आ रहा है, ये जो मौजूदा सरकार है उसकी कंडीशन पर मैं बोलना चाहूंगा कि जो बंद करने आए थे तवायफों के कोठे, जो बंद करने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक सुनकर ये खुदरी खुद ही मुजरा कर बैठे। मतलब आज की जो सरकार है वो कहती थी कि मैं आवाज सुनूंगा, छोटे से छोटा बच्चा मुझे सवाल कर सकता है, ये मेरी जवाबदेही है। और आज जब 14 विपक्षी पार्टियां 4 महीने से लगातार सवाल कर रही है, तो ये खुद मुजरा कर रहे हैं, ये खुद सुन नहीं रहे हैं। ये कहते थे कि मैं सब सही कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। आज इतनी समस्याएं हैं कि ये लोग इतना मुजरा कर रहे हैं कि उनके कानों में विपक्षी पार्टी और देश की आवाम जनता का आवाज नहीं जा रही। दिग्विजय सिंह हाथ धोकर एक तरीके से नहा धोकर पीछे पड़ गए हैं ईवीएम के, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ईवीएम को लेकर वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर दिक्कत नहीं है ईवीएम में तो फिर क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को वक्त देने में? क्या चुनाव आयोग के पास 2, 4, 6 घंटे या 1 दिन का वक्त नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं क्योंकि विपक्ष में है, अभी तो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन जब ये सरकार विपक्ष में थी, मैं आपको इतिहास बताता हूं, इनका पूरा इतिहास, ये तथ्य जानने पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है कि आज लोग ताना मारते हैं विपक्षी पार्टियों को कि जब जीतते हैं तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम का सवाल उठाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ईवीएम का विरोध इसी सत्तारूढ़ पार्टी ने किया है जो आज सत्ता में है, जब वो विपक्ष में थी, जब 2009 में यूपीए 2 सरकार जीती थी, तब इसी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने सबसे पहले ईवीएम का विरोध किया था। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, आज आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हो, लेकिन उस वक्त के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ईवीएम के ऊपर आरोप लगाए थे, ईवीएम के ऊपर शक किया था, डाउट किया था कि यूपीए 2 सरकार कैसे जीत गई, जरूर ये यूपीए 2 सरकार ईवीएम में कुछ तो लफड़ा करती है, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है ईवीएम वो लाई खुद कांग्रेस है। जब कांग्रेस जीतती थी तब यही लोग विपक्ष में बैठकर कांग्रेस पर सवाल करते थे, और आज जब कांग्रेस सवाल कर रही है, दिग्विजय सिंह जैसे नेता सवाल कर रहे हैं, तो ये भूल चुके हैं कि एल के आडवाणी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस ईवीएम का विरोध किया था, इस पर शक जताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने तो हाईकोर्ट में केस भी कर दिया था, ईवीएम के अगेंस्ट में केस किया था, जबकि आज की विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम के ऊपर कोई केस नहीं किया है। और ये लोग आज बोल रहे हैं कि ईवीएम में कोई लफड़ा नहीं है, हैक नहीं होता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो ये लोग सवाल सुन भी नहीं रहे और यही बोल रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, सब चंगा है सी, जैसे चाइना से कोई घुसा नहीं इस देश में, ईवीएम से कोई लफड़ा नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन ये लोग भूल चुके, मैं आपको और आगे बताना चाहता हूं, उस वक्त के तत्कालीन जो इंचार्ज थे भारतीय जनता पार्टी के, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने भी आरोप लगाया था ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम में कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो गड़बड़ी है। उस वक्त के बीजेपी के तत्कालीन प्रवक्ता, राज्यसभा के एमपी जो रह चुके थे, जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने भी ईवीएम के विरुद्ध में एक किताब लिखी थी। आप सोचिए, इन लोगों ने ईवीएम के विरोध में किताब लिखी है, और उस किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट द रिस्क। मतलब जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो विपक्ष में थे, जब ईवीएम से चुनाव हो रहा था, जब यूपीए 2 जीत रही थी लगातार, तब ये लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी एट रिस्क। और आज कहते हैं जब विपक्ष की पार्टियां के लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तो बोलते हैं आप तो बोल रहे हो ना, कहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है, आपको बोलने दिया। बहुत सारी आप जानकारी दे रहे हैं पब्लिक को, शायद इतनी जानकारी अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा नहीं, तो आप बोल कैसे रहे हो? तो हम बोल ही रहे, आप सुन नहीं रहे हो ना। हम 4 महीने से बोल रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं, अब बोलने तो देंगे या क्या? हमारी हर बार, मतलब हर बार बोलने पर भी हत्या हो जाएगी, बोलने पर भी जबान बंद कर दी जाएगी। हम बोल रहे हैं, लेकिन 4 महीने से ये सरकार सुन नहीं रही है, जबकि यही सरकार सबसे पहले ईवीएम के विरोध में थी। किताब लिखी है डेमोक्रेसी एट द रिस्क,
जब इनके समय में डेमोक्रेसी रिस्क में थी, तो आज डेमोक्रेसी कैसे रिस्क में नहीं हो सकती है? तो और आगे बताना चाहता हूं मैं, इलेक्शन कमीशन में प्रूफ के साथ बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुए, तो ऐसे वीडियो लीक हुए हैं, ऐसे वीडियो लीक हुए हैं, और सरकारी अधिकारी वहां पर डेट से पहले ईवीएम को तोड़कर वहां पे कुछ ना कुछ गिनतियां कर रहे हैं, कुछ काउंटिंग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के प्राइवेट व्हीकल में से ईवीएम मिले हैं। कैसे किसी के प्राइवेट व्हीकल में से ईवीएम मिलते हैं जबकि वो 100% सिक्योरिटी में होता है? तो किसी अधिकारियों की प्राइवेट व्हीकल्स में, उनके कारों में, उनके व्हीकल्स में ईवीएम के मशीन मिले हैं, ईवीएम के ऊपर आरटीआई हुई है, 19 लाख ईवीएम मशीन जिन्हें वो सप्लाई करती है, दो कंपनियां, एक बेल और एक दूसरी कंपनी है जो ईवीएम को सप्लाई करती है। वो ईवीएम को सप्लाई करने वाली कंपनियां बोल रही है कि हमने इतने ईवीएम सप्लाई किए हैं, जबकि उतने ईवीएम आरटीआई में नहीं मिले हैं। करीबन 19 लाख के आसपास ईवीएम गायब है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये गलत बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर जांच क्यों नहीं बिठाते हो तुम लोग? अगर गलत है, कोरोना में 4 लाख डेथ हुए थे, उसके 47 लाख डेथ हो गए। कोरोना में 4 लाख डेथ हुए थे, जो सरकार ने आंकड़ा जाहिर किया था, एक्सपोज किया था, वो आंकड़ा 47 लाख तक गया, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना से डेथ भारत में हुई है, ठीक है। उसकी वैक्सीनेशन पे भी डाउट है, तो ईवीएम पे डाउट होता है, 4 महीने से लगातार लोग बोल रहे हैं, तो उसकी जांच कमेटी क्यों नहीं बैठ रही है? इतने सारे वीडियोस हैं, आरटीआई में बाहर आया कि 19 लाख मशीन, 15,000 कंप्लेन सिर्फ मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग को किया गया है, और ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। एक हमारे जानकार है, वकील है, वो लेकर पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। 2019 में मध्य प्रदेश में ही जब पिछली चुनाव हुई थी, तब पहली बार 2019 में फर्स्ट टाइम वीवीपैट लगाया गया था ईवीएम के साथ। 2019 में मध्य प्रदेश के चुनाव में जब पहली बार ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट लगाए गए थे, तब जब भी वोटिंग किया जाता था तो सारे वोट्स भाजपा को जाते थे, और ये बाहर आया था, और तब के जो अधिकारी थे उन्होंने कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया था। उस वक्त कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया था, करना पड़ा था, क्योंकि जितने भी वोट डालते थे शुरुआत में, वो सारे के सारे वोट्स भारतीय जनता पार्टी को जा रहे थे। तो अगर वो गलत नहीं था तो कलेक्टर को सस्पेंड 2019 पिछले ही चुनाव में कैसे कर दिया? तो क्यों नहीं आएगी जब सबूत के साथ सारी बातें मतलब बाहर आ रही है, पब्लिक में आ रही है, पब्लिक डोमेन में आ रही है, और पब्लिक आवाज उठा रही है, 14-14 विपक्षी पार्टियां आवाज उठा रही है, 15,000 एक ईवीएम हैकर भी है जो चुनाव आयोग से समय मांग रहा है। वो कह रहा है कि मैं हैक करके दिखाऊंगा ईवीएम को कैसे हैक होता है, उसको भी वक्त नहीं मिल रहा है। मेरे को नाम अभी दिमाग से निकल गया है। मुझे आप बताइए कि सबसे पहले जब इस देश में कांग्रेस एटीएम मशीन लाई थी 1987 के आसपास, पहला एटीएम मशीन जब देश में आया था, एग्जैक्ट साल याद नहीं है, लेकिन कांग्रेस लाई थी पहला एटीएम मशीन, ठीक है। उसका विरोध भी भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने किया था। उसके बाद हमारे देश में हम लोग जब कॉल करते थे, एसटीडी कॉल, आपको याद होगा, उसमें भी हैकिंग होती थी। इस देश में यहां पर इसरो में बैठकर चंद्र पर चंद्रयान को अगर ऑर्डर दिए जा सकते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है स्पेस में, पृथ्वी से लेकर, अर्थ से लेकर स्पेस में, अगर आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, कैमरा भेज सकते हो, आप चंद्रयान भेज सकते हो, वहां की फोटो ले सकते हो, तो आप मुझे बताइए मोबाइल हैक होता है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको पता है सॉफ्टवेयर होते हैं, हम अभी काम कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं, वायरस आता है, वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को तोड़ देता है, है? उसके बाद उसके लिए क्या बनता है, एंटीवायरस बनता है, बिल्कुल। तो अगर मोबाइल के अंदर प्रोग्राम को तोड़ दिया जा सकता है, और तोड़ा हुआ प्रोग्राम फिर से जोड़ा जा सकता है, और ये मोबाइल तो जो स्टैंडर्ड कंपनी होती है, जैसे बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड ब्रांडेड कंपनी है, उसके मोबाइल हम खुद नहीं खोल सकते, उसको खोलने के लिए कंपनी में भेजा जाता है, आप सोचिए। तो ये तो असेंबल मशीनें हैं, ये तो असेंबल मशीनें हैं ईवीएम के, आप खोल सकते हैं खुद स्क्रू ड्राइवर से, हमने खोले चेक करने के लिए। वेन यू कांट ओपन योर ब्रांडेड मोबाइल मशीन ऑन योर ओन,
यू हैव टू ओपन, यू हैव टू सेंड इट टू द कंपनी, देन कंपनी विल ओपन इट। बट ये ईवीएम मशीन तो पूरे ऐसे मतलब असेंबल्ड है, पूरे असेंबल्ड किए हुए एक डब्बा है, एक कैबिनेट है जिसको आप खुद स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं, उसका प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सवाल उठ रहे हैं, तो उसका जवाब देना होगा, कमिटी बिठानी होगी, जांच करवानी होगी। और सबसे पहले मुझे आप ये बात बताइए कि अगर इस सरकार को डर नहीं है, किसी भी बात का डर नहीं है, आप मुझे बताइए, ये सरकार कहती है कि हम जीत रहे, बार बार जीत रहे, हमारी ताकत पे जीत रहे, मोदी के चेहरे पे जीत रहे, ठीक है, तो आप मुझे एक बताइए, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है? जब इलेक्शन होता है तब जब हम वोट डालते हैं तो ईवीएम मशीन के अंदर वोट जाता है, वीवीपैट में वो चीट जाती है, ठीक है, तो वो जो चीट है उसको आप काउंट करिए ना, साथ में ही उसको आप काउंट करिए ना कि यहां पर जितने वोट पड़े हैं क्या उतने ही वोट यहां पे ईवीएम में पड़े हैं क्या। तो आपको दूसरी कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको रोजगार देना है लोगों को, वहां पे बिठाना है। लेकिन सवाल तो यही खत्म हो जाता है ना बॉस, कि वक्त नहीं मिल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, तो अब कहां से काउंटिंग होगी, और क्या राजनीतिक पार्टी अपने दम पर थोड़ी काउंट करवा सकते हैं जब तक चुनाव आयोग ना चाहे या फिर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला ना हो। तो फिर क्या होगा आप मुझे बताइए, उसका 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 रिजल्ट क्या होता है, उसका मतलब रास्ता क्या है, व्हाट इज द वे टू गेट द रीड आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ओनली आंदोलन करना पड़ेगा तमाम पार्टियों को, और क्या, आंदोलन करना पड़ेगा, करना चाहिए। जब सवाल एक नहीं हजारों लोग उठा रहे हैं और उसके जवाब में सरकार जब बोल नहीं रही है, मुजरा कर रही है, वो सुन नहीं रही है, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर इतनी बड़ी विपक्षी पार्टियों की आवाज नहीं सुन रही है, तो ऑब्वियसली इसका विरोध कड़ी तरह से होना चाहिए, कड़ा विरोध होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। और 2024 से पहले जैसे भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा आंदोलन था, मुझे लगता है कि ईवीएम के लिए, वीवीपैट के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और ये सरकार, मैं अगर बोल दूं, ये विश्वगुरु खुद को कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकार विश्वगुरु नहीं है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना ईवीएम बिना वीवीपैट अगर चुनाव जीतकर दिखाते हैं तो मैं मान लूंगा, चैनल पे मान लूंगा, ओपन डिबेट में मान लूंगा, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मशीन से तो जीतते थे, अब मैन्युअली भी जीत रहे हैं, हाथों से अगर हम वोट देते तो उससे भी जीत रहे हैं। तो ये सही में विश्वगुरु है। अगर विश्वगुरु को कोई डर नहीं है, अगर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है, अगर लोगों की आवाज झूठी है, लोग झूठ बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही, तो एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना ईवीएम के जीत कर दिखाए, मैं मान लूंगा कि नरेंद्र मोदी इस देश के नहीं विश्व के विश्वगुरु है। लेकिन तमाम पार्टियां जो है एक साथ आवाज नहीं उठाते ना। अब मान लीजिए अखिलेश यादव यूपी में हार गए, तो वो उस वक्त आवाज उठा रहे थे, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हारी है तो वो आवाज उठा रहे, लेकिन एक साथ एक सुर में आवाज नहीं उठाया जा रहा है। आप देखिए, आवाज तो उठा रहे हैं लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमिटी में तीन लोग होते हैं, इलेक्शन की जो चुनाव इसको लेकर बिल आने वाला है, हाँ, तो उसमें एक होते हैं प्रधानमंत्री देश के, एक होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी जो सबसे ज्यादा संसद में पार्टी सीट लेकर बैठी है, दूसरी जो पार्टी विपक्षी पार्टी, उसका एक होता है विधायक, मतलब एक मैन होता है, और ये होते हैं जस्टिस, चीफ जस्टिस होते हैं। तो इन लोगों ने तो एक नया कानून लाकर चीफ जस्टिस को उस कमिटी से निकाल दिया है, उसका भी तो विरोध हो रहा है, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब ये सरकार कानून बदल देती है, संविधान बदल देती है, कमिटी से सीजीआई को निकाल देती है, जबकि वही सीजीआई की दूसरी कमिटी है जो सीबीआई के जो आयुक्त होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें भी प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और चीफ जस्टिस होता है, तो वहां पर उस कमिटी को बरकरार रखा गया है। लेकिन चुनाव आयोग की जो कमिटी है, उसका जो चयन की जो कमिटी है, उसमें जो तीन लोग थे, उसमें से देश के सबसे बड़े चीफ जस्टिस सरकार निकाल देती है, तो आप मुझे सुनिए कि ये पब्लिक को क्या, मतलब पब्लिक को क्या सुनेगी? बिल्कुल, और सुनने में ये भी आया है कि इस तरह के, इस बिल में इस तरह की बातें भी है कि जब तक चुनाव आयुक्त जो है अपने पद पे रहेगा तब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, जिस तरीके चीफ जस्टिस को के खिलाफ नहीं हो सकता उसी तरीके उनके खिलाफ भी नहीं हो सकता, यानी कि चीफ जस्टिस के बराबर ही एक पदवी दी गई है उनको भी इस बिल में। हाँ,
लेकिन ये लोग अभी तो मतलब बोल रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग कारण दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस कानून के जानकार तो हो सकते हैं, लेकिन जो सचिव होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो राज पॉलिटिक्स के अंदर उनके जो काम करने का तरीका होता है, उनकी जो काम करने की पद्धति होती है, जरूरी नहीं कि देश के चीफ जस्टिस को उस तरह से काम करने का नॉलेज हो, ज्ञान हो, या कोई उनको मतलब अनुभव हो। तो ये एक छोटा सा मामूली सा कारण देकर ये लोग जब चीफ जस्टिस, हो तो ये भी सकता है ना कि सत्ता पक्ष के जो नेता है उनको भी इस बात की जानकारी ना हो, उनको भी तो मेंबर बनाया जा रहा है। सत्ता पक्ष में जो अभी लोग मध्य प्रदेश में जीते हैं इस इलेक्शन के अंदर, कितने लोग जीते हैं, उन लोगों ने भी विरोध किया है। आप देखिए उनके नाम, आप मैं आपको बता दूं कुछ लोग हैं जिनके नाम जो अभी अभी जो अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया 3 दिसंबर को, उसमें लोग जो चुने गए हैं उसमें से कई लोगों के नाम मैं आपको बता दूं, डॉक्टर हीरालाल अलावा जो मनावर विधायक से, मनायक से विधायक है, ये कांग्रेस उसके बाद, हाँ कहीं से भी हो, नहीं नहीं मैं लेकिन उसको लेकर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि इस तरीके से उन्होंने हवाला दिया है कि चीफ जस्टिस जो है वो कानून के जानकार तो हो सकते हैं, लेकिन और चीजों के जानकार हो, ईवीएम के जानकार हो या फिर चुनाव को लेकर जानकार हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये हवाला दिया गया है। तो जो सत्ता पक्ष के नेता है, जो उसके मेंबर होंगे चुनाव आयोग को नियुक्त करने में, चुनाव आयोग के जो मेंबर है उसको नियुक्त करने में, तो सत्ता पक्ष के नेता को हो सकता है थोड़ी जानकारी हो, उसकी पीएचडी थोड़ी लेके आए हैं सत्ता पक्ष के नेता भी। वही तो, उनकी तो डिग्री भी डाउटफुल है, उनकी तो डिग्री भी डाउटफुल है, उनकी डिग्री में सवाल करो तो जुर्माना हो जाता है। तो जिनकी खुद की डिग्री है डाउटफुल है, उनको सारा नॉलेज है, उनको सारा ज्ञान है देश चलाने का, जबकि वो ना अधिकारी है, ना उन्होंने कोई एग्जाम्स दी है, और उस एग्जाम्स की कोई डिग्रियां भी नहीं है, ऑथेंटिक डिग्रियां नहीं है, ऑनलाइन तो है लेकिन उस पर भी तो डाउट हो रहा है, जैसे ईवीएम पे डाउट हो रहा है वैसे उनकी डिग्री पर भी डाउट हो रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री की डिग्री डाउटफुल है तो वो चीफ जस्टिस की कार्यवाही पर कैसे सवाल कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप सोचिए ये कितनी बड़ी मतलब आयरनी है इस देश की कि जिनकी डिग्री पर पूरा देश डाउट कर रहा है वो प्रधानमंत्री है, जिनकी डिग्री पर देश डाउट कर रहा है और वो खुद बाहर आकर बोलते नहीं है कि मेरी ये डिग्री है, छाती ठोककर, और अगर कोई सवाल करे तो उस पर जुर्माना हो जाता है। तो उनकी कार्यवाही सही हो सकती है इस देश में, लेकिन देश के चीफ जस्टिस की, जिसको सारा कानून पता है, चीफ जस्टिस क्या होता है, कोई एक वकील नहीं होता है, वो कानून पढ़ता है, उसके बाद कितने अनुभव के बाद वो चीफ जस्टिस बनता है, पूरे देश का कानून, पूरे संविधान का कानून जिसको पता है, उसको ये नहीं पता है कि अधिकारी कैसे काम करते हैं, ये कोई रीजन है मतलब कोई भी समझ सकता है। आप देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए दर्शकों को, आगे भी इस तरीके से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है 14 राजनीतिक पार्टी है जो लगातार 4 महीने से मुशक्कत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से चुनाव आयोग का समय मिल जाए, एक बार चुनाव आयोग के दर्शन हो जाए और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग समय देने के लिए तैयार नहीं है और इसको लेकर लगातार दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं। तो फिर से जुड़ेंगे सागर जी, साजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।